हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनोमय रेसिपीज़। आज मनोमय रेसिपीज़ में बन रही है एक बहुत ही बढ़िया सी स्वीट डिश। ये जो है हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट मलाई केक, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। आप इसे सर्व कर सकते हैं किसी पार्टी फंक्शन में और किसी फेस्टिवल में, या अगर आपके घर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है तो कभी कभी ऐसे लगता है ना कि अब हम क्या बनाएं, तो ये इंस्टेंट से मिठाई आप फटाफट से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। लेकिन अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, क्योंकि मनोमय रेसिपीज़ में मैं आपके लिए लाती रहती हूँ ऐसी रेसिपीज़ जो कि खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है लेकिन बनाने में उतनी ही आसान। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं ये आसान से स्वीट डिश कैसे बनती है। तो इंस्टेंट मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनानी होगी। तो उसके लिए मैंने एक कप पानी लिया है, आप कोई भी एक कप सेट कर लीजिए, और उसमें मैं आधा कप चीनी डाल दूँगी और इसे हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक चाशनी बना लेंगे। इसे हमें कुछ थिक कंसिस्टेंसी की नहीं बनानी है, जैसे एक तार दो तार वैसी नहीं, नॉर्मल जब तक स्टिकीनेस ना आ जाए हमारे हाथ में तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। और थोड़ी सी चिपचिपी हो गई दैट मीन्स चाशनी तैयार हो गई है। शुगर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और इसे पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, चुटकी भर इलायची पाउडर, और इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे फिर से। अब चाहिए तो इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे नेचुरल रखना चाहती हूँ इसलिए मैं कोई फूड कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। या तो आप चाहे तो केसर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज मैं इसे प्लेन ही रखने वाली हूँ। एक बार टच करके देखने से हमें पता चल जाएगा। इसे और थोड़ा सा पकना है, इसे मैं और 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। शुगर सिरप रेडी हो चुका है, टच करके देखने से हमें वो चिपचिपा लग रहा है। तो अब इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे उतार लूँगी। दूध मैंने उबालने रख दिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है। आप चाहे तो कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसे मैंने जैसे एक पहली बार उबाल लिया है, आप डायरेक्टली पैकेट वाला दूध इसमें डाल सकते हैं। और जिस मेजरमेंट से हमने शुगर ली थी, जैसे मैंने ये कप यूज़ किया था, हाफ कप शुगर और एक कप पानी, वही कप से मैंने 3 कप्स मिल्क लिया है, और जिसमें से मैंने 4 चम्मच बड़े चम्मच भर के दूध अलग से निकाल लिया है जिसे मैंने ठंडा कर रखा है। अब इस ठंडे वाले दूध में हम लोग 4 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल ना हो तो आप अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको और कोई इसमें फ्लेवर चाहिए तो आप कस्टर्ड पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे आपने अगर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दी तो बाकी रिमेनिंग 3 चम्मच आपको कॉर्नफ्लावर डालना होगा। ये डाल के हम लोग इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर जो है वो मिल्क में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस दूध में हम लोग डाल देंगे 3 से 4 चम्मच चीनी। चीनी हम लोग थोड़ी कमी रखेंगे क्योंकि हम लोग शुगर सिरप भी यूज़ कर रहे हैं। और चीनी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर दूध में मिक्स हो चुकी है। अब हम लोग ये जो कॉर्नफ्लावर वाला दूध है इसे एक बार ऐसे स्टर कर लेंगे और इसे इसमें डाल देंगे। इससे जो है हमारा दूध वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसे हमें अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स कर लिया है मैंने दूध को। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर और इसे भी हम लोग अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और दूध देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जो अपना चम्मच है उसके पीछे ऐसे वो लेयर आ गई है, मतलब दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इस स्टेज पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें, और
ये मेरे पास घर की मलाई है 2 चम्मच भर के, मैं इसे डाल दूंगी। इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम लोग एक विस्कर ले लेंगे और उससे अच्छे से इसको एक क्रीमी टेक्सचर दे देंगे जिससे कि कोई लम्स ना फॉर्म हो। 5 मिनट हो चुके हैं और दूध बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है क्योंकि ये ठंडा होने पे और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चुटकी भर इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए एंड गैस को जो है वो ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं अपनी इंस्टेंट मलाई केक को असेंबल करने के लिए। तो असेंबल करने के लिए आप कोई भी ऐसा एक बेकिंग ट्रे या कुछ भी ले सकते हैं और उसमें सबसे नीचे हम लोग प्लेस करेंगे ये रस्क। रस्क को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर से डाल देंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप जो है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए जिससे कि वो पूरे रस्क में अब्सॉर्ब हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमें सारे रस्क को इसे कवर कर लेना है। शुगर सिरप मैंने डाल दिया है। अब ये जो मिल्क का मिक्सचर है इसे मैं इस पर पोर कर दूंगी। ये भी थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। इसे सब तरफ से अच्छे से हमें कोट कर लेना है। ये डाल के एक लेयर कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही हम लोग इसे वापस रिपीट कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं ये लेयर लगा के वापस वही स्टेप्स रिपीट कर लूँगी। रस्क लगा के मैं शुगर सिरप डाल के ये मिक्सचर डाल दूँगी। ये पूरा मैंने सेट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे हम लोग फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए। मिल्क केक को मैंने गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट्स से। अब मैं इसे सेट करने रख दूंगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए, फिर हम इसे प्लेट कर लेते हैं। इंस्टेंट मलाई केक है वो सेट हो चुका है। यहाँ देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, कितना ज़्यादा यमी लग रहा है ना। तो आप भी जाइए और फटाफट से ये रेसिपी ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर के इंग्रेडिएंट से ही बनती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये स्वीट डिश कैसे बनी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।